हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा नंबर्स ऑफ जीरोज इन अ मिलेनियल बिलेनियल ट्रिलेनियल। आपने सिर्फ सुना होगा मिलेनियल बिलेनियल ट्रिलेनियल, बट आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रिलेनियल से भी ज़्यादा नंबर होता है, उसमें भी बहुत सारा जीरो होता है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली देखिए, अगर आप वन वन और जीरो लिखते हैं तो 10 होता है, उसके बाद अगर आप 2 जीरो लिखेंगे तो आपको 100 होगा, उसी तरह अगर आप 3 जीरो लिखेंगे 1 में तो वो 1000 होगा, उसी तरह अगर आप उसमें 4 जीरो लगाते हैं तो वो 10,000 हो जाएगा, और उसी तरह अगर आप उसमें 5 जीरो लगाते हैं तो आपको 100,000 हो जाएगा, और उसी तरह अगर आप किसी नंबर में 1 के साथ 6 जीरो लगाते हैं तो वो आपका मिलेनियल हो जाएगा, और उसी तरह अगर आप 9 जीरो लगाते हैं 1 नंबर के साथ तो वो आपका बिलेनियल हो जाएगा, और उसी तरह अगर आप उसमें 12 जीरो लगाते हैं 12 जीरो तो उसमें आपका वो ट्रिलेनियल में चला जाएगा जीरो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं स्क्रीन पे आपका दिखा दे रहा हूँ। ट्रिलेनियल के बाद आता है क्वाड्रिलेनियल, इसमें आपका 15 जीरो होता है, और क्वाड्रिलेनियल के बाद आता है क्विंटिलिनियल, इसमें आपका 18 जीरो होता है, और इसके बाद आता है सेक्टिलिनियल, और सेक्टिलिनियल में आपका जो जीरो होगा वो 21 जीरो होगा, और इसके बाद आता है सेप्टिलिनियल, इसमें आपका 24 जीरो होगा, इसके बाद आता है ऑक्टिलिनियल, इसमें आपका 27 जीरो होता है, और इसके बाद आता है नोनिलियन, और नोनिलियन में आपका 30 जीरो होगा, और इसके बाद आता है डेसिलियन, और डेसिलियन में आपका 33 जीरो होता है, अनडेकिलियन और इसमें आपका जीरो आता है 36 जीरो आता है, और उसके बाद आपका आता है डियोडेकिलियन, इसमें आपका 39 जीरो आएगा, और इसके बाद आपका आएगा ट्रेडेकिलियन, इसमें आपका आएगा 42 जीरो, उसके बाद आपका आएगा क्वाट्रोडेकिलियन, इसमें 45 जीरो आएगा, और इसके बाद आएगा आपका क्वाइंडिकलियल, इसमें आपका 48 जीरो आएगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी नंबर है, और इसके बाद आपका है सेक्स डिकलियन, इसमें आपका 51 जीरो आता है, और उसके बाद आता है सेप्टेन डिकलियल, इसमें 54 जीरो आता है, और उसके बाद आपका आता है ओक्टोडिकलियल, इसमें 57 जीरो रहता है, और उसके बाद आता है आपका नोवे डेकिलियन, इसमें आपका 60 जीरोज होता है, इसके बाद आता है विगिंटिलिनियल, इसमें 63 जीरो आता है, और अब लास्ट में बचता है सेंटिलिनियल, इसमें आपका 303 जीरो रहता है। तो गाइज, आपने जान गया कि कितना जीरो रहता है और उसका क्या नाम है। अगर आप हिंदी में जानते हैं तो करोड़ अरब खरब होता है, उसी तरह इंग्लिश में भी आपका इतना नंबर चलता है, इसका अंत नहीं होता है, इतना नंबर आपका ये रहता है, इतना जीरो इसमें रहता है, अगर इतना अंक रहता है तो वो आप उसको इस नाम से आप उसको बोल सकते हैं और इस नाम से उसको डिनोट कर सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।